गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी मैं इस वक्त हूँ हो ची मिन्ह सिटी के डिस्ट्रिक्ट वन में और यहाँ से मैं अभी जाने वाला हूँ कंबोडिया बॉर्डर, लैंड बॉर्डर क्रॉस करके। तो यहाँ से जो कंबोडिया की कैपिटल है नॉम फेन वो यहाँ से लगभग 6 घंटे का रास्ता है। और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 2-3 ऑप्शन है। आप टैक्सी से जा सकते हो या बस से जा सकते हो और मोटर बाइक से, मतलब कोई भी मतलब गाड़ी से जा सकते हो। तो मैं अभी बस से जाने वाला हूँ। बस की जो टिकट है, बस का जो प्राइस है यहाँ से हो ची मिन्ह सिटी से लेके नॉम फेन तक का, वो लगभग मतलब ये लोग अभी बस से $60 में लेके जा रहे हैं, $60 में। मैंने यहाँ पे ये जो सामने की तरफ डिस्ट्रिक्ट वन का एरिया है, सामने की तरफ से या पूरा वो ये जो पूरी लाइन है, पूरे मतलब बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हैं जिन से लेके यहाँ तक सब लोगों को पूछ लिया। ऐसा कोई ट्रैवल एजेंट मतलब छूटा नहीं होगा यहाँ से जिसको नहीं पूछा मैंने। तो कोई बोल रहा था $80, कोई बोल रहा था $60, लेकिन मैक्सिमम लोग $60 बोल रहे थे। $60 के नीचे कोई बोल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने ये सामने का जो ऑफिस है येलो कलर वाला, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, लेकिन वो जो ऑफिस है वहाँ पर मैंने फिर ले ली कल टिकट। एक दिन पहले बुकिंग करना पड़ता, शायद 8:45 या 9 ऐसा कुछ बज रहे। 15 मिनट बाद मेरे को वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, क्योंकि 9:30 वो बोल रहे थे कि 9:30 बजे की बस है, तो 15 मिनट एटलीस्ट पहले आप आओ यहाँ पर। पहले तो मतलब ये लोग $10 में मतलब लेके जाते थे, $10 की टिकट होती थी पहले, लेकिन अभी $60 हो गया। तो मिल गया $60 में, तो ले लिया मैंने। मेरे को लगता नहीं है कि इससे कम में होगा, हो भी सकता है, लेकिन मैंने अभी उसके लिए पूरा शहर घूमना पड़ेगा भाई। And souvenir your friend for one lighter for 3 years in Vietnam, not China, and Vietnamese. You see here. You look here. Yeah. You see here. And I very cheap and money for you. No problem. No, I don't need lighter. I don't smoke cigarette. Yeah, I don't smoke. And sunglasses here. I have the sunglasses. I have. Yeah. Yeah. I buy it from Hoi An. How much you buy Hoi An? 60. Okay, it's okay. Thank you. तो अभी मैं ये ऑफिस में आ गया जहाँ से मेरी बस रहने वाली है। तो इन्होंने जो है सबसे पहले जो बस की रिसिप्ट है ना, जो मैंने कल बुक की थी वो मांगी, पासपोर्ट मांगा और वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो मांग लिया। ओके, तो अभी ये जो बस आ गई और बस है DND, मतलब दान दान बस बोलते इसको। 9:30 का टाइम था लेकिन 10 बजे आई ये बस। लगेज वगैरह अंदर डाल रहे लोग और ऊपर जाने वाले। तो बस अभी मैं डायरेक्टली इमिग्रेशन में मिलता हूँ, मतलब एक्सपीरियंस बताऊँगा डायरेक्ट। बस तो क्या बस जैसी होगी। मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है ऐसा देखा जाए तो, और ये वाली सीट मिल गई तो और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही आदमी बैठ सकता बढ़िया, और विंडो सीट भी है। मेरे को ये वाली सीट मिली और एसी है और वाईफाई भी है शायद से, लेकिन वाईफाई की उतनी तो अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जब उससे पूछा जो टूर वो क्या हो, जो ऑफिस में जो काम करने वाला रिसेप्शनिस्ट है उससे जब मैंने पूछा कि मेरे पास अगर वीज़ा नहीं है कंबोडिया का तो क्या मेरे को वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता, तो उसने बोला कि बस ड्राइवर को $45 दे देना, मतलब वो जाके वीज़ा लगवा लेगा। वैसे अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करते हो तो $36 में हो जाता है, और अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल और ये बस से अगर इनकी मदद लेते हो, मतलब ये एजेंट जैसे हो गए ये लोग देखा जाए तो ये लोग $45 लेंगे, $9 एक्स्ट्रा लेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। अभी लगता है कि शायद से 2 किलोमीटर बाद वो बॉर्डर आएगा, मैकबोई ऐसा कुछ बॉर्डर का नाम है। वो कंडक्टर जो है वो अनाउंसमेंट कर रहा था, वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया तो मैं मास्क पहन लेता हूँ अभी,
और आगे का जो एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। तो ये जो इमिग्रेशन था वो मतलब वियतनाम की तरफ वाला एग्जिट वाला स्टैंप लग गया, अभी सामने की तरफ जाना है और सामने की तरफ का देखेंगे क्या होने वाला है, मतलब कंबोडिया वाला इमिग्रेशन। तो अभी मैं हूँ कंबोडिया वाली इमिग्रेशन की तरफ। एक ऑफिसर था, उसने सारे पासपोर्ट ले लिए और बस अभी सब वेट कर रहे हैं उस पासपोर्ट का। और पासपोर्ट में मेरे ई वीज़ा की प्रिंट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की प्रिंट लगा, मतलब उसमें हार्ड कॉपी थी बस, और मैंने दे दी। और वापस अभी लोग वापस बस में जा रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होने वाला है। हम वापस आ गए बस में और अभी तक तो पासपोर्ट आया नहीं हमारा, लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कोविड टेस्ट नहीं होगा। मतलब जब हम वियतनाम से कंबोडिया एंटर होते हैं बॉर्डर से, लैंड बॉर्डर से, तो वो लोग कोविड टेस्ट नहीं चेक करते और ना ही यहाँ पर होता है, तो कोविड टेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वियतनाम से अगर आप कंबोडिया से अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो वहाँ पर कोविड टेस्ट होता है बॉर्डर पे, $10 लगते हैं उसके $10 लगते हैं। और मेरे को लगता है कि ये जो बस का जो प्राइस इतना बढ़ गया, मतलब $60, पहले $10 में लोग जाते थे। तो वो मैंने पूछा उनको, ट्रैवल वो बस ऑपरेटर वालों को, तो उन्होंने बोला कि अभी कोविड के बाद बहुत कम बस चलती है, इसलिए प्राइस जो है बढ़ गई। बस कम होने की वजह से इन्होंने प्राइस बढ़ाया। मेरे को लगता है कि इन्होंने काफ़ी सारे जो फॉरेनर्स है वो वियतनाम में काम करते हैं, पिछले मतलब काफ़ी सालों से वियतनाम में रहते हैं, तो उनका जो वीज़ा एक्सपायर होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि कंबोडिया चले जाते हैं, वीज़ा रन बोलते हैं उसको, मतलब वो लोग बोलते हैं ऐसा, वीज़ा रन करते हैं वो लोग, मतलब कंबोडिया आते एक दो दिन के लिए रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं वियतनाम में। तो बस का जो प्राइस है वो लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। तो बस अभी कोविड टेस्ट नहीं हुआ, ये अच्छी बात है आपकी। और अभी पासपोर्ट का वेट कर रहे हैं, देखते क्या होने वाला है। पासपोर्ट तो आ जाएगा बस, मतलब ये इमिग्रेशन पार होने के बाद हम एक्चुअली अभी हम कंबोडिया में एंटर हो गए, इमिग्रेशन पीछे है। तो और अभी जो वियतनाम वाला जो सिम है VTL वो काम करना बंद हो गया, मतलब नेटवर्क तो है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा। तो ये है, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मतलब सिम बेच रहे थे और करेंसी भी मतलब डॉलर से लेके भी खड़े थे, तो ऐसे ही मतलब एक्सचेंज वगैरह करने के लिए। तो फाइनली हम कंबोडिया में पहुंच गए और डॉक्यूमेंट कुछ लगे ही नहीं, मतलब बस वैक्सीन का सर्टिफिकेट और ई वीज़ा और पासपोर्ट, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और अभी कंबोडिया में थोड़ा सा आगे आ गए, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके, और यहाँ पर खाने के लिए रोक दिया, मतलब एक जगह पे। अब मेरे पास कंबोडिया के जो करेंसी है वो तो नहीं है, और देखना पड़ेगा आसपास कहीं ATM है या नहीं है। हेलो या YouTube पर यू आर रिव्यू समथिंग या YouTube द फर्स्ट टाइम यू कम कंबोडिया राइट या फर्स्ट टाइम यू आर फ्रॉम कंबोडिया नो I'm from Vietnam. Oh, you're from Vietnam. Yeah. Okay. And I have to do something to do in Cambodia to rely on project. Yeah. Okay. Also, what do you want to do in Cambodia? Do you want to go to the Siem Reap or you look to about a pagoda? I didn't plan anything. Check karte bhai ye log kya use karte. Hello. You accept dollars? Dollars, yeah. Dollars. I don't have Cambodia money. मालक बैठा हुआ किसके पास जाने बोला समझ में नहीं आया, यहाँ पे तो कोई नहीं है। यू टू ईट फूड यू से क्या है।
दिस डॉलर डू एक्स नो ओके तो भाई यहाँ पर डॉलर जो एक्सेप्ट नहीं करते ये लोगों को मतलब कम्बोडियन रियल चाहिए रियल जो भी है तो मैंने वहाँ से फल खरीद लिए थे वियतनाम से मतलब एक फल ख़रीदा था मैंने तो वही खा लूँगा और जब पहुँचूँगा नॉम फेन लगभग शायद से और 4 घंटे लगेंगे मेरे को वहाँ पहुँचने में तब जाकर मैं वहाँ से एटीएम से पैसे निकालूंगा और कुछ खा लूँगा अभी फ़िलहाल हाँ नो इट्स ओके थैंक यू भाई मेरे बाजू वाला जो है वो जो मेरे बाजू में बैठता सीट में वो बोल रहा कि आजा खाना खाने बोला नहीं यार खा लो आप एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने मेरे पास ऑलरेडी थे पैसे वियतनामी डॉन्ग लेकिन एक बंदा था उसने वो मेरे को पैसे देने से मना कर रहा था और उसने खुद के पैसे मेरे को दिए मतलब उसने मेरे खाने के पैसे भरे तो चाय से वियतनाम का बंदा था वो तो फाइनली अब मैं कंबोडिया पहुंच गया लगभग 6 या 6:30 बज रहे हैं और अभी मेरे को सबसे पहले यहाँ से एटीएम से कैश निकालना है और सिम लेना है और होटल जाना है काफ़ी टाइम लग गया भाई तो बस अभी मैं ये वीडियो यही पेंट कर दूंगा वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए सब खुश रहो टेक केयर बाय बाय